एक अलग ही फीलिंग आ रहा है अंदर, अलग ही फीलिंग। व्हाट्स अप गाइस, सो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट शाम के 4, बट देख के लग नहीं रहा, लग रहा है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। उसीलिए थोड़ा रेस्ट ले लिए खाने के बाद, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के डैम देखने। यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, बस डैम ही एक चीज़ देखने का है, और यहाँ से आई थिंक वी शुड टेक राइट। सो फाइनली वी आर इन द मुकुंद मुनिपुर डैम। वो रास्ता जो मैं गूगल में देखता था, फाइनली हम लोग इधर आ चुके हैं। अब देख पूरा मैं एंड तक जाऊंगा, देखूंगा कितना दूर है, कैसा है। ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को ड्रोन शॉट में मिलेगा कि कैसा व्यू है। ओह, एक अलग ही फीलिंग आ रहा है अंदर, अलग ही फीलिंग। तो हम लोग इतना देर सूरज ढलने का वेट कर रहे थे। सो अभी सूरज ढला नहीं है, बट फिर भी द कंडीशन आर प्रेफरेबल फॉर ड्रोन शॉट। आपको कुछ देर बाद ही ड्रोन शॉट मिलेगा हम लोग के इस एपिसोड में। अभी तक इतना देर तक हम लोग ने एक जगह पर शेल्टर लिए थे, थोड़ा सा बकचोदी कर रहे थे। अब क्या करें, इतना धूप में एकदम मतलब एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 6 बज चुके हैं और हम लोग परफेक्ट टाइम में उठ गए थे। तो अभी हम लोग जाएंगे डियर पार्क देखने, फिर आइलैंड देखने, फिर दो नदियों का मिलन जिधर हो रहा है वो देखने जाएंगे। मेरा तो अभी तक मिलन नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। तो चलिए हम लोग बाहर जाके, जब हम लोग बोट में जाएंगे, बोट कितना लेगा ना लेगा सब आपको डिटेल्स में बताते हैं। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग आए हैं बोट राइड करने के लिए,
देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पे सब बोट्स पार्क्ड है फॉर हायर। हम लोग ने अपना कल ही बोट गाय सेट कर लिया था। ही विल बी चार्जिंग अस 350 रुपीज़ और पता नहीं अब 350 में कितना घुमाएगा, वो तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी बज रहे हैं 6:20 AM एंड लेट्स सी कितना घुमाता है ये, मिलते हैं बोट पे। सो हम लोग अभी उठ रहे हैं, हम लोग का ये है बोट। क्या रे नाव में चले गए शानु, ये तो लग रहा है एनाकोंडा का से वो जो मूवी था ना, दोस्त वही लग रहा है। नहीं नहीं एनाकोंडा का जो मूवी है मूवी में ऐसा बोट जाता है बस, फिर वो लौट के नहीं आता है। और हम लोग आ पहुंच चुके हैं ये आइलैंड में, जो कि ये जो रिवर है मुकुटमणिपुर जो रिवर है उस रिवर के एकदम बीचों बीच। तो अब अभी हम लोग देखेंगे कि चारों ओर कैसा है। चारों ओर तो पूरा घना जंगल है, ठीक है, पेड़ ही पेड़ है। तो चलो देखते हैं आसपास क्या आता है। पेड़ छोड़ के और कुछ नहीं है, बट फिर भी देख लेना अच्छा है, बड़ा अच्छा जगह है। पूरा एक डिजर्टेड आइलैंड में हम लोग दो, अभी देखिए कोई शेर आके हम लोग को खा ना ले। शेर रहेगा ना आइलैंड में? हाँ, तो पत्ता खाता है वो। शेर तो पत्ता खाता है। बड़ा भूखा शेर को छोड़। यहाँ पे शेर आए ना आए सांप पाप रह सकता है, ठीक है। तो डरा मत, सांप रहेगा, शेर नहीं रहेगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस आइलैंड में, बट हम लोग का मेन डेस्टिनेशन है डियर पार्क। बट सिंस वी आर किलिंग टाइम थोड़ा आइलैंड में चले गए हम लोग। सो इधर पर कंसावती नदी ख़त्म होता है। ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं डियर पार्क, ये आइलैंड का इधर रास्ता दिए काट के दो नदी का मिलन इधर ही होता है। तो ये कंसावती नदी है इधर, और उस साइड में आपका मायरू नदी है। तो उधर पर हम लोग जाएंगे, पहले हम लोग ये डियर पार्क देखते हैं। डियर पार्क में अभी चलो हरिन देखने जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक डॉगी दूसरे डॉगी को खिलाते हुए और एक डॉगी शूट कर रहा है, ठीक है। जब भी मैं कुत्ता देखता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो फ्रेंडली है, वो फ्रेंडली फ्रेंडली डॉग यही है मेरा बेस्ट फ्रेंड। मुझे बोल दिया है इतना हमें किसी का गाना फाड़ना है तो बता दीजिए भैया जी, बोल दिया है। कोई कुछ करेगा तो जस्ट एक बार बुला लेना, बस कुछ बोल दो हम लोग का दर्शक के लिए। दर्शक हम लोग को कुछ बोल दो, हम लोग का दर्शक को कुछ बोल दो तुम। सो वो जिधर पर हम लोग बोट में उतरे, बोट से हम लोग को अभी पैदल 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और उधर पर वैन था, वैन बोल रहा है 240 रुपीज़, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। भाई मैं 1 किलोमीटर पैदल चल जाऊँगा, थोड़ा सा जॉगिंग भी हो जाएगा। बहुत दिन बाइक चला के पैदल नहीं चलते हैं। और देखिए
हर कोई कहता है डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड। हम लोग ने उसको खिलाया, अब हम लोग रास्ता दिखाने के लिए कौन है हम लोग के साथ, देखिए ये जा रहा है हम लोग के साथ, तब से वो आगे आगे चल जा रहा है ताकि हम लोग ना फटके। डियर यहाँ पे, हाँ तो अभी हम लोग चाहेंगे, गर्मी बहुत है बट ठीक है, मुश्किलों के सामना करना ही तो हम लोग का आदत है, वी आर राइडर्स। हम लोग का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में न्यू हैं सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना गर्मी में हम लोग आए, इतना गर्मी में देखिए सांस मेरा फूल रहा, सब कुछ आप लोग के लिए ही कर रहे हैं, तो आप लोग हम लोग के लिए थोड़ा सब्सक्राइब नहीं कर पाइएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, मोदी जी बोला है पेट्रोल 50 रुपया कर दिए देगा, ठीक है, डू सब्सक्राइबर्स। हम लोग का तब से मैं हम लोग के साथ जा रहा है, गाइड हो गया है, दो किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, बचपन के बाद अभी इतना पैदल चल रहे हैं, जब से मैं बाइक खरीदा इतना पैदल मैं कभी नहीं चला। बट एक बात बहुत अच्छा है, चारों ओर पेड़ पौधा है ना, द एटमोसफियर इज कूल, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू डियर पार्क एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ डियर, ठीक है, बट नहीं डियर है, आप लोग कैमरा में पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, वो जो घर है घर का पीछे देखिए, आपको अगर ठीक तरह से आप अगर देखिएगा तो आपको देख नहीं पाइएगा कैमरा में, और ये जो है इसको पता है यही डियर पार्क है, देखिए वो देख रहा है, वेरी नाइस डॉगी, सोच रहा हूँ लेके जाऊँ किशन, ले ले। वी हैव गॉट अ लोकल गाइड, सो एक्चुअली वो लोग कह रहा है कि अगर डॉगी आया तो हरिन चल जाएगा, सो दे आर हेल्पिंग अस, नाइस। सो ये हम लोग को ले जा रहे हैं उधर पर, ये बच्चे लोग बुला रहा है हिरन को, सो दे आर रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट द हिरन। 2 kilometers ऑफ वॉकिंग, वी आर अनफॉर्चुनेट टू सी द डियर, अब क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअली कंजर्वेशन पार्क है, इधर पर सुबह का 8 बजे खाने देता है और 4 बजे, तो हम लोग तो 8 बजे चल आए, अब नहीं दिखाई मिल रहा है, अगर जू रहता तो चलो अच्छा है, बट इधर पर नहीं मिला, पता नहीं हम लोग का नसीब ही ख़राब है, अभी फिर से 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, बोट पार करके वो डैम में जाना पड़ेगा, वो डैम से 6 किलोमीटर हम लोग के बाद होटल है, सच में अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा मैं कोलकाता के जू में चला जाता देख लेता, बट एक्चुअली ये नहीं बात है कि कभी डियर देख रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं, भाई ये सब जगह में देखने का अलग ही मज़ा है, थोड़ा खाना भी खिलाते, ये जब से सलमान खान ने कांड किया है ना तब से ये हिरन लोग हम लोग मतलब इंसान लोग के ऊपर भरोसा उड़ गया है। तो चलिए हम लोग, वी आर सॉरी दैट हम लोग को ये ब्लॉग में डियर नहीं आ पाया, क्या कर सकते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जब हम लोग आए थे तो हम लोग मयूरी नदी से आए थे और यही है आपका बीचों बीच का जो जगह है वो खांगसती नदी और मयूरी नदी, मयूरी नदी इज दिस वन और खांगसती नदी नदी इज दिस वन, तो यही दोनों नदी का मिलन होता है, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ इधर पर ग्रीन पानी है इधर पर वाइट पानी है मिक्स नहीं हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ये जस्ट बोलना ही है क्योंकि इधर पर एक आइलैंड था, आइलैंड को काट के दोनों नदी को मर्ज कर दिया है, पानी का रंग सेम ही है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाइएगा, ऐसा ही है। तो अभी हम लोग फिर लौट रहे हैं, तो हम लोग अभी लौट रहे हैं जिधर से हम लोग उठे थे, फिर अभी फिर जाना पड़ेगा, बाइक लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा था वो डियर पार्क था उधर पर, 6 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद फिर रिच टू होटल, पैकिंग वैकिंग करके घाटशिला के लिए हम लोग निकल जाएंगे। तो यही एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप लोग को कुछ कहना है पूछना है कमेंट करके भी कर सकते हैं, हम लोग को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो हम आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।